जी हाँ भाई, बहुत ही अच्छी खबर है। किसान अब ज़्यादा फायदेमंद हो सकेंगे, क्योंकि देखिए 1868 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो MSP था, समर्थन मूल्य था, अब उसको केंद्र सरकार की ओर से बढ़ा दिया गया है। अब किसानों को 1940 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी होगी, यानी कि आगामी जो धान खरीदी सीजन आएंगे उस पर किसानों को ज़्यादा इनकम होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और केवल धान ही नहीं, धान के अलावा करीब 14-15 फसलों पर भी MSP बढ़ा दिया गया है, जो कि आज की वीडियो पर हम आप लोगों के साथ पूरी जानकारी शेयर करेंगे। तो भाई, पूरी खबर के लिए पूरी वीडियो पर बने रहेगा, और गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करके रखिए, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। जी हाँ किसान भाई लोग, मोदी सरकार ने धान के MSP में इजाफा कर दिए हैं। सरकार ने धान पर अधिकतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में 72 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा कर दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धान के अधिकतम समर्थन मूल्य को बढ़ोतरी का प्रस्ताव में अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात की जानकारी दी है। अब केंद्र सरकार ने धान पर अधिकतम समर्थन मूल्य में 72 रुपये की प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। इससे वित्त वर्ष 2021-22 के लिए धान की MSP बढ़कर अब 1940 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इससे पिछले वित्त वर्ष में धान की MSP जो कि 1868 रुपये प्रति क्विंटल पर थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अधिकतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य फैसले भी लिए गए हैं। धान के अलावा और भी बहुत सारे फसलों हैं जिस पर MSP बढ़ोतरी की गई है। इसके पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, कृषि मंत्री के ट्वीट भी सामने आए थे। ट्वीट पर जो अपने अपडेट जारी किए हैं उसके अनुसार देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार। साथ ही उन्होंने लिखा है ट्विटर पर कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दी है। देश के करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तोमर ने ट्वीट पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में लगातार कृषि के क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक निर्णय हुए जिससे किसान की आमदनी बढ़ी। कुछ डेटा और आंकड़े के साथ साझा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 372.23 लाख मीट्रिक टन खरीदी की तुलना में अब लगभग 416.95 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी हुई है, जिससे लगभग 45.67 लाख किसान को लाभान्वित हुई है। बात करें रबी विपणन मौसम की, तो उसकी जानकारी के अनुसार हम आप लोगों को बताते हैं 2020-21 से मैं गेहूं की खरीदी के लिए किसानों को सीधे DBT के माध्यम से 82,347.39 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। बात करें धान की डेटा की, तो भाई देखिए, नरेंद्र तोमर जी ने सिलसिलेवार अपने ट्विटर में कहा कि रबी विपणन मौसम 2020-21 जो कि 6 जून 2021 तक की, मैं धान खरीदी के लिए किसानों को सीधे DBD के माध्यम से 1,53,515.20 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। क्योंकि अब केंद्र ने MSP का रेट भी बढ़ा दिया है, तो अब छत्तीसगढ़ में न्याय योजना को लेकर पैसे बढ़ेंगे या नहीं, तो इसके ऊपर हम पूरी जानकारी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं भाई कि कौन कौन सी फसलें हैं धान के अलावा जिनको केंद्र सरकार की ओर से MSP में बढ़ोतरी की गई है। देखिए भाई, इसमें धान सामान्य वर्ग जो कि 1940 रुपये है और 72 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और धान ग्रेड ए में 1960 रुपये है, ठीक है, यानी कि 72 रुपये यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है। ज्वार की बात करें तो 2,738 रुपये है प्रति क्विंटल के हिसाब से। ज्वार मालदंडी का है 2,758 रुपये। बाजरा का है 2,225 रुपये प्रति क्विंटल। उसके बाद रागी का 3,377 रुपये, ठीक है, यहाँ पर 82 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात करें मक्के की, तो 1,870 रुपये हो गई है, और उधर अरहर की बात करें तो 6,300 रुपये प्रति क्विंटल हुई है। मूंग की बात करें तो 7,275 रुपये है। आप हमारे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद उड़द की बात करें तो 6,300 रुपये प्रति क्विंटल है। मूँगफली है इधर 5,550 रुपये हो गई है, और सूरजमुखी बीज का 6,015 रुपये है, जबकि सोयाबीन 3,950। बात करें तिल की, तो 7,307 रुपये प्रति क्विंटल। राम तिल की 6,930 रुपये प्रति क्विंटल। कपास की बात करें तो 5,726 रुपये, और कपास लंबा जो रेशा वाले होते हैं उसको 5,025 रुपये। तो इस तरह से धान के अलावा अन्य विभिन्न फसलों का भी MSP केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाया गया, जिसकी लिस्ट सूची हमने आप लोगों के साथ साझा की। तो चलिए, आप अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जोर से रखिए। साथ ही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जोर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करके रखिए, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो पर बस उतना ही। मिलते हैं कल और एक नया वीडियो और एक नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।